आपका क्वेश्चन है, द फॉलोइंग डाटा गिव्स द डिमांड एस्टिमेट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर द पर्सनल इन द कंप्यूटर सेक्टर ड्यूरिंग द 8th प्लान पीरियड, दैट इज 1990 से 1995, 5 ईयर्स का है। नेक्स्ट, आपका देखो टेबल दिया है क्वालिफिकेशंस एंड पर्सनल रिक्वायर्ड, तो दीस आर द क्वालिफिकेशन एंड दीस आर द पर्सनल रिक्वायर्ड, ठीक है। नाउ आपके क्वेश्चन है, प्रेजेंट द बार ग्राफ एंड इंडिकेट वेयर एस्टिमेट रिक्वायरमेंट इज लीस्ट। पहले बार ग्राफ बनाना है, फिर बताना है कि ये आपका लिस्ट है, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो बहुत बड़े बड़े डिजिट्स हैं ये, तो इसका ग्राफ बनाना है हमको। तो सबसे पहले वी विल डिस्टिंग्विश कौन थाउजेंड में है, कौन हंड्रेड्स में, कौन लैक्स में है एंड कौन करोड़ में है, ठीक है ना। तो ये देखो क्या हो रहा है आपका, तो दिस इज थाउजेंड, फिर आपका अब ये हो गया 18 लैक्स, है ना। नेक्स्ट ये हो गया 6 लाख, ये हो गया आपका 18,000, नाउ 1,81,000, ठीक है। नाउ दिस इज योर 40,000। नाउ तो अब हम इसका स्केलिंग करेंगे, तो स्केलिंग देखो कैसे करेंगे हम इसका, तो नाउ वी कैन से देखो आपका यहां पर 1800 लेकर चलो, यहां पर है 670, यहां पर है 18, यहां पर है 181 और यहां पर है 40, है ना। तो वी विल टेक 20 एज दैट, ठीक है। तो 20 वी कैन से 20,000 पर्सनल ऐसा वाई एक्सिस, तो आपका देखो कैसे बनेगा, ठीक है ना। तो एक्स एंड वाई ग्राफ बनाएंगे हम, तो दिस इज योर एक्स एंड दिस इज योर वाई, नाउ दिस इज योर जीरो, ठीक है ना। तो स्केलिंग हमने लिया था 20,000, तो स्केल हमारा किसके अंदर है, y एक्सिस में, वी विल टेक इन y, तो y एक्सिस का हमारा क्या हो जाएगा स्केल, 1 यूनिट और यू कैन से 1 सेंटीमीटर, जो भी आप ले रहे हैं, 1 यूनिट इज इक्वल टू 20,000 पर्सनल, ठीक है ना। अब हम 20,000 को कैसे लिखेंगे, 20 से लिखेंगे बस, ठीक है। तो वी विल राइट हियर 20 ओनली, दैट इज इन थाउजेंड, है ना। तो आपका देखो क्या आ जाएगा, फर्स्ट इज योर एमसीए, तो एमसीए कम्स हियर, सेकेंड इज योर डीसीए, थर्ड वन इज योर डीसी, फोर्थ वन इज योर सीएल एंड फिफ्थ वन इज योर एसपी। तो दीज आर द क्वालिफिकेशंस, वी कैन राइट क्वालिफिकेशंस, ठीक है, और एरो लगा देंगे। और यहां पर हमको जो लिखना है वो हमको लिखेंगे पर्सनल रिक्वायर्ड, पर्सनल रिक्वायर्ड, ये आपका रहेगा दिस साइड। तो देखो कैसे करेंगे हम, 20, 40, 60, 80, 100 और आपका होगा 120, 180, 160, 180, 200, ठीक है। तो इतना ही आपका है इसके अंदर देखा जाए तो, ठीक है ना। तो देखो हम कैसे बनाएंगे इसको, फर्स्ट इसने कहा एमसीए इज 40.6 हो गया हमारा, है ना।
तो हमारा हो गया 40.6, 40.6 का है 40 के जस्ट ऊपर। तो दिस इज योर ग्राफ, बार ग्राफ, ठीक है। नाउ बीसीए कितना है देखो, 181.600। तो 181 कहां पर है, 180 के जस्ट ऊपर, तो इट विल कम हियर। ठीक है, नेक्स्ट 18.600। तो 18 कहां है हमारा, 20 के नीचे, दैट मीन्स हियर। तो आपका यहां पर आ जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट कम्स योर 670.600, 670। तो 670 तो आपका बहुत ऊपर है ना। तो यहां पर तो हमारा कितना है, 200 तक है। तो लाइक वाइज अगर आप करते जाओगे तो 670 विल कम समवॉट हियर, ठीक है। तो ये हम बना देंगे ऐसे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका देखो क्या है, 1802, दैट मीन्स इसके भी ऊपर है, इससे थ्री टाइम्स। तो नाउ वी कैन मेक लाइक दिस, और भी ऊपर आप बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, जस्ट ऐसे ही बना देंगे, ठीक है। लाइक दिस, ठीक है ना। और यहां पर हम लिख देंगे 670, ये लिख दिया, यहां पर लिख देंगे 1802.900, इन थाउजेंड्स में है, है ना। तो आपका देखो क्या आ रहा है, इस टाइप का ग्राफ बन जाएगा। अब इसने कहा इंडिकेट वेयर एस्टिमेट रिक्वायरमेंट इज लीस्ट, लीस्ट कहां पर है, सबसे कम कहां पर है आपका, दैट इज योर डीसीए। तो वी कैन राइट हियर, दिस इज योर लीस्ट, ठीक है। तो इस तरह से आपको मार्क करना है, लेकिन ये ग्राफ बहुत बड़े बड़े जाएंगे, ठीक है। तो हम इसको ओपन छोड़ देते हैं दोनों को, ठीक है।